दोस्तों, किसी भी तरह का स्टार्टअप शुरुआत से नहीं चलता है। इसके लिए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केटिंग, सभी चीज़ों का सही मैनेजमेंट होना ज़रूरी होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर बिना प्लान किए गए स्टार्टअप में किया जाए तो कई प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ सकता है और इन्वेस्टमेंट के डूबने का भी खतरा रहता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बजाय प्रोडक्ट की मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग और उसकी क्वालिटी कस्टमर को पसंद आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आराम से ग्रोथ लेवल पर चलाया जा सकता है और कम समय में इससे इनकम भी होने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 30 मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा, जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर लाखों की इनकम को आराम से कमा सकते हैं। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एल्यूमिनियम विंडो इनडोर मैन्युफैक्चरिंग। एल्यूमिनियम से बने सामानों का यूज़ बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्सेस, गार्डनों में और कई जगहों पर देखा जा सकता है। इसका वाइडली यूज़ इस समय इसीलिए हो रहा है क्योंकि यह काफ़ी सस्ता और मजबूती के साथ अधिक समय तक चलता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग शॉप के लिए आपको फैब्रिकेशन, वेल्डिंग मशीन, एल्यूमिनियम कटर और कुछ सामान और स्किल्ड वर्करों की ज़रूरत रहेगी। ज्वेलरी बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसकी आप आसानी से छोटी जगह से भी शुरुआत कर सकते हैं। बॉक्सेस को आप मार्केट में ज्वेलरी की दुकानों पर, क्राफ्ट स्टोर या इमिटेशन ज्वेलरी की दुकानों पर होलसेल में भी इसे सेल कर सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको क्रिएटिव डिज़ाइनर और बॉक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट। कारपेट की होटलों और रेस्टोरेंट में कहीं ज़्यादा डिमांड रहती है। आजकल घरों में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कारपेट को मशीनों के साथ साथ हाथों से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको फील्ड के स्किल्ड और क्रिएटिव कारीगरों की ज़रूरत हो रहेगी। प्लास्टिक कंटेनर एंड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग। स्टोरेज टैंक या ड्रम का यूज़ फैक्ट्रियों और कारखानों में कहीं ज़्यादा होता है और घरों में भी यूज़ होते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत में आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक सोप और साबुन मैन्युफैक्चरिंग। ऑर्गेनिक सोप हैंडमेड नेचुरल सोप या साबुन होते हैं जो ऑर्गेनिक ऑयल और हर्बल प्लांट से बनाए जाते हैं। आजकल लोग ऑर्गेनिक सामानों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया काफ़ी आसान है। इसे बनाने के लिए आसानी से मिलने वाले मटेरियल जैसे नेचुरल कलर, ऑर्गेनिक ऑयल, मॉइस्चराइजिंग ऑयल और जार का यूज़ किया जाता है। इससे आप कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। बायोप्लास्टिक पैकेजिंग बैग। प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक से बने पैकेजिंग मटेरियल सभी शहरों में बैन कर दिए गए हैं। इस कारण बायोप्लास्टिक पैकेजिंग आइटम के प्रोडक्शन का नया सेक्टर उभर रहा है। बायोप्लास्टिक आइटम मॉडिफाइड आइटम से बनाए जाते हैं। यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर है। फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ के सभी भागों में खेती ही की जाती है। किसानों को अपनी फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ाने और दूसरे जीव जंतुओं से प्रोटेक्ट करने के लिए फर्टिलाइज़र या खाद की बड़ी क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको केमिकल और फर्टिलाइज़र की अच्छी नॉलेज है तो आप एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डाल सकते हैं। वैसे भी अभी ऑर्गेनिक खेती के लिए कंपोस्ट खाद और गोबर खाद की कहीं ज़्यादा डिमांड रहती है। पैकेजिंग कार्टून मैन्युफैक्चरिंग। कार्टून एक स्पेशल पैकेजिंग बॉक्सेस रहते हैं जो लंबी दूरी के सामानों को एक्सपोर्ट करने के लिए पैकेजिंग में काम आते हैं। कार्टून का ज़्यादातर यूज़ बल्क सामानों की पैकेजिंग के लिए होता है। फूड इंडस्ट्री, कूरियर कंपनी, ऑनलाइन डिलीवरी जैसी जगहों पर वाइडली इन्हीं का यूज़ होता है। इसे मोस्ट प्रॉफिटेबल मीडियम बिजनेस आइडिया माना जा सकता है। बैम्बू क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। डेली लाइफ में हल्का और अट्रैक्टिव सामान को कैरी करना सभी को अच्छा लगता है। बैम्बू स्टिक या बांस से बनी चीज़ें हल्की, सुंदर और काफ़ी किफ़ायती रहती हैं और इससे डेली लाइफ में काम आने वाली कई सामानों को आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे पानी की बॉटल, कुर्सी, टेबल, चेयर, स्टैंड और भी कई सामानों को बांस से बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी यूनिट डालने से पहले इसकी ट्रेनिंग लेना होगा और यूनिट में काम करने वाले वर्करों को भी इसकी ट्रेनिंग दिलाना होगा। इससे आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। लेदर रिलेटेड आइटम मैन्युफैक्चरिंग। लेदर से बने सामानों का मार्केट भी काफ़ी डिमांडिंग है और आप इसे स्मॉल स्केल पर भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेदर से जैकेट, पर्स, बेल्ट और कई प्रकार के कवर और कई प्रोडक्टों को बना सकते हैं। इसकी शुरुआत के लिए आपको स्किल्ड वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग। यह भी एक अच्छा और छोटी जगह से चलाने लायक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस में आपको किसी जगह पर लिक्विड डिटर्जेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए इसे बनाने का फॉर्मूला
डिटर्जेंट बनाने में काम आने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे कास्टिक और एरोमा और इसे पैकिंग के लिए पैकेजिंग मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिटर्जेंट को आप मार्केट में कई दुकानों पर होलसेल रेट पर भी सेल कर सकते हैं। बिंदी मैन्युफैक्चरिंग। बिंदी मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत किया जा सकता है। मार्केट में कई प्रकार की बिंदियाँ देखने को मिल ही जाती है। आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए क्रिएटिव डिज़ाइन और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप हैंडमेड बिंदियाँ या इसके लिए मशीन को खरीद कर भी इससे बिंदी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बोतल। किसी भी प्रकार के लिक्विड फूड, कोल्ड ड्रिंक, डिटर्जेंट की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक बोतल की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी सामानों की ज़्यादा क्वांटिटी में लूज पैकेजिंग शायद ही आपको देखने को मिलती होगी। यह एक छोटे लेवल पर शुरुआत के लिए अच्छा बिजनेस आइडिया है, लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत में आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। चिल्ड्रन टॉयज मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों के खिलौने का मार्केट हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है और यह हमेशा से चलने वाली इंडस्ट्री में से एक है। इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको आपके खिलौने किस रॉ मटेरियल से बनाए जाएंगे इस बात को डिसाइड करने की ज़रूरत रहेगी। जैसे मिट्टी के, प्लास्टिक के, कांच या रबर के और भी कई प्रकार के रॉ मटेरियल से खिलौने बनाए जा सकते हैं। रॉ मटेरियल के हिसाब से मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में आप छोटी मशीन लेकर भी काम शुरू कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम। स्पोर्ट्स आइटम में आप क्रिकेट बैट, स्टंप, ग्लव्स या पूरी किट, कैरम, पोल टेबल, बेसबॉल बैट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। किड्स और यूथ स्पोर्ट्स आइटम में कई सारा पैसा खर्च करते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना अच्छी शुरुआत हो सकता है। रबर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। रबर और इससे बनाए गए प्रोडक्ट का यूज़ कई पार्ट्स की पैकिंग के लिए या दूसरी कई जगहों पर देखा जा सकता है। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रिया या कई प्रकार के इक्विपमेंट की सही पैकिंग के लिए इसका वाइड यूज़ होता है। रबर को पेड़ से निकालकर प्रोसेस कर तैयार किया जाता है। इसकी शुरुआत के लिए आपको पहले रॉ मटेरियल के लिए मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आई ग्लास और फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग। आई ग्लास या चश्मों का भी एक लार्ज मार्केट इस्टेब्लिश है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको स्किल्ड वर्कर और मशीनरी की ज़रूरत रहेगी और इसे शुरुआत करने के लिए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वाटर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग। वाटर फिल्टर सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। साफ पीने के पानी की प्रॉब्लम शहरी इलाकों में देखने को मिल जाती है। आप स्मॉल वाटर फिल्टर या स्मॉल होम बेस्ड आरओ प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस की शुरुआत से पहले आपको मार्केट में दूसरे वाटर फिल्टर सिस्टम की रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट सॉस मैन्युफैक्चरिंग। सॉस को बनाना काफ़ी आसान है और इसे आप घर से भी तैयार कर सकते हैं। आजकल जंक फूड सभी जगहों पर खाया जाता है और सॉस का यूज़ सभी प्रकार के जंक फूडों में किया जाता है। यह काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोफ्यूल को प्लांट और एनिमल वेस्ट को प्रोसेस कर बनाया जाता है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगातार बढ़ने की वजह से बायोफ्यूल की तरफ लोगों का अटेंशन मिल रहा है। बायोफ्यूल की प्रोडक्शन की यूनिट मीडियम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की जा सकती है। कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। कोकोनट ऑयल का यूज़ कुकिंग में काफ़ी हेल्दी माना जाता है। इसका यूज़ मॉइस्चराइज़र में, हेयर क्लींजर, कॉस्मेटिक के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर किया जाता है। इस वजह से कोकोनट ऑयल की डिमांड काफ़ी वाइड मानी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट ब्लॉक्स। कंक्रीट ब्लॉक सॉलिड सीमेंट कंक्रीट का एक प्रोडक्ट है जिनका फुटपाथ या चौराहों पर, गार्डनों के रस्तों पर वाइडली यूज देखा जा सकता है। खुद मशीनरी और आराम से मिलने वाले रॉ मटेरियल के साथ आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दाल मिल। दाल मिल में आप कई प्रकार के फुल ग्रेन्स या कठोर को प्रोसेस कर दाल बना सकते हैं। आप इसे किसी विलेज टाइप एरिया के पास ओपन करते हैं तो यह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसे आप कई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल इक्विपमेंट यूज्ड इन फार्मिंग। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का विशेष हिस्सा है, इसीलिए यहाँ के किसानों को कई ऐसे छोटे और बड़े सामानों की ज़रूरत पड़ती है जो खेती करने में उन्हें सहायता करते हैं। इन सामानों की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी आसान और कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू की जा सकती है। डिफरेंट ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। इंडिया में किसी भी तरह के ऑयल का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है इसकी बढ़ती डिमांड के कारण। इसकी शुरुआत के लिए आपको कुछ मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जिसमें सभी ऑयल को प्रोसेस किया जा सकता है। ऑयल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपके पास मार्केट की अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग।
इसकी डिमांड तो पूरे देश में हमेशा रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। फायर क्रैकर या पटाखों की डिमांड फेस्टिवल, क्रिकेट सीजन, शादियों में सभी समय पर रहती है। इस मैन्युफैक्चरिंग की एस्टैब्लिशमेंट के लिए आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। पिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पिकल या अचार बनाने में अभी कोई बड़ी कंपनी का ब्रांड नहीं बन पाया है। सभी जगहों पर वहीं के लोकलों के जरिए ही इसे सप्लाई किया जाता है। आप इसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े लेवल पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फूड किट मैन्युफैक्चरिंग। बड़े शहरों में बैचलर या अकेले रहने वाले लोग बाहर ही किसी होटल या रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं, जिन पर उनके कई रुपए खर्च होते हैं। यदि आप फिक्स्ड रेट पर सिलेक्टेड आइटम की एक फूड किट मैन्युफैक्चरिंग कर सेल करते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की डिमांड रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों में लाइफस्टाइल चेंज होने की वजहों से बनी रहती है। शहरों में कम स्पेस रहने के कारण आजकल होल्डिंग फर्नीचर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। बढ़ती डिमांड और प्रॉफिटेबल वेंचर होने के कारण आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर भी शुरू कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बैग्स। पेपर बैग एक स्मॉल कंटेनर होता है जो पेपर के जरिए बनाया जाता है। इसमें कई पेपरों की लेयर या पेपर में थीन प्लास्टिक की अंदर से कोटिंग की जाती है। इसका यूज़ किसी जूस, मिल्क, बटर पिल के लिए स्मॉल साइज की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इस बिजनेस आइडिया के लिए आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और मार्केट की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी दूसरी कंपनी से टाई अप कर भी उसके लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको थोड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो रहती है, लेकिन यह एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिजनेस साबित हो सकता है। इसकी ग्रोथ केवल आपके पोटेंशियल पर निर्भर करती है। इन सभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ में से आप किस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दूसरी सोशल लिंक पर भी फॉलो करें।